फॉलो करना पड़ेगा। अगला सवाल दिल्ली से आशीष खन्ना का। आशीष जी ने गाजियाबाद में 2009 में एक फ्लैट 30 लाख रुपए में खरीदा था और इन्होंने इसी फ्लैट को जुलाई 2017 में 75 लाख रुपए में बेच दिया है। सितंबर 2017 में 40 लाख रुपए का इन्होंने निवेश कर दिया है। हालांकि बलवंत जी माफी चाहेंगे, इन्होंने बताया नहीं है कि ये निवेश इन्होंने कहां किया है, लेकिन हाँ निवेश कर दिया है। और आशीष पूछ ये रहे हैं कि इनको कितना कैपिटल गेन टैक्स अब चुकाना होगा। प्रियंका देखो, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आशीष जी ने ये जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरा घर खरीदने में किया है, तो उसको उनको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलता है। जो डेट परचेज और सेल है उसके हिसाब से उनकी जो इंडेक्स कॉस्ट है वो 55 लाख हो जाती है, तो उनको सिर्फ 15 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। उन्होंने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया है तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर उन्होंने घर में इन्वेस्ट नहीं किया है, रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट नहीं किया है और कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और जो 15 लाख का जो कैपिटल गेन होता है उस पर 20% के हिसाब से उनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भरना पड़ेगा। अगर उनके घर खरीदने की इच्छा है तो उनको जो बेचने के बाद में 2 साल तक का समय है, और अगर बुक करवाते हैं तो वो 3 साल के भीतर भीतर भी अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा देते हैं तो उनको ये एग्जेम्पशन